नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम हीरापुर में हैं। अभी कुछ लोगों से बात करी थी और आगे आए हैं, बात करेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दीपचंद कौशिक है जी। दीपचंद जी, 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि हीरापुर की जनता किस ओर जाएगी? देखो जी, हीरापुर की जनता मैक्सिमम सुरेंद्र वशिष्ठ जी के साथ है। ईमानदार आदमी है, हर आदमी के सुख दुख में साथ रहते हैं, हर जगह आना जाना होता है उनका। और अभी तो सत्ता में आए नहीं है, लेकिन उनकी जो जिस हिसाब से उनका व्यवहार है, उससे लगता है कि लोगों के सुख दुख में वो हमेशा साथ खड़े रहेंगे। तो आपको लगता है विकास की राह पर चलेगा हीरापुर? विकास की राह पर जाएंगे वो, इसी विश्वास पे उनको वोट दिया जा रहा, मत किया जा रहा है, इसीलिए बदलाव की ओर जा रहे। जी जी जी। क्या नाम बाबूजी आपका? नाम, हमारा नाम जी खड़क सिंह। खड़क सिंह जी, क्या लगता है किस ओर जाएगा हीरापुर गाँव जी? सुरेंद्र वशिष्ठ की ओर जाएगा। क्यों जाएंगे सुरेंद्र वशिष्ठ जी के साथ? ठीक आदमी है जी, और काम करेंगे, जनता का भरोसा है। पिछले 3 नेताओं को आपने देखा, अलग अलग पार्टी से 3 नेताओं को चुना गया, तो उनमें से कैसा लगा कि क्या काम करे उन्होंने, कैसा रहा उनका 15 साल का काम? काम तो कसैस ही रहे हो जी, बस कम ही काम हुए, ना हुए इतने। हाँ। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, काम नहीं हुए हैं लोगों को लग रहा है, और बदलाव होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, जिसके चलते अभी बदलाव चाहता है हीरापुर। और लोगों से भी बात करेंगे जी। क्या नाम आपका? लता। लता जी, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में बढ़िया रहेगा जी, अरविंद हमारा अपना बालक है, क्या नाम है उसको, सुरेंद्र वशिष्ठ जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, उनको कर रहे हैं, वे हमारे बच्चा वाइद नाते खड़े, बढ़िया काम करें, वोट नहीं देंगे अपने। अच्छा, तो महिलाओं के लिए कैसे रहेगा, महिलाएं किस ओर जाएंगी? महिलाएं इसी ओर जाएंगी जिसमें बता रही हूँ जी। आप बताएं, क्या नाम आपका? मेरा नाम गुड्डू है जी। गुड्डू जी, कैसा रहेगा इस बार? हाँ जी, बढ़िया रहेगा, सुरेंद्र वशिष्ठ को वोट देंगे। सुरेंद्र वशिष्ठ जी को देंगे, क्यों देंगे सुरेंद्र वशिष्ठ जी को? अच्छा, मतलब सही काम करेंगे, और बोली चाली मतलब सही है, सुनवाई करें, औरतन की भी, गरीब की, अमीर की, उनके अंदर कोई यू भावना ना है, कई यू पैसा वारो जा रो तो आएगी सुने, वे सबकी सुनवाई करें, इसलिए वोट मिलेंगी भैया। इसलिए जो विधायक यहाँ पे रहे हैं वो सुनवाई नहीं करते? वो जीत के ही ना आए, जीत के बाद आए, वोट मांग नहीं आए, जीत के बाद पहले ना आए। अच्छा, वोट मांगने से पहले आते थे, उसके बाद ना दिखे यहाँ? नहीं जी, चेहरा नहीं दिखा यहाँ नहीं, बढ़िया काम रहेगा। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम आपका? सुनहरा। हाँ, तो किस किसे देंगी वोट इस बार? हाथी। हाथी को देंगे, क्या देंगे? हाथी, हाथी बैठेंगे, हाथी पे देंगे, हाथी पे बैठेंगे, मतलब हाँ। बहन जी के साथ जाएंगी? हाँ, पूरा सपोर्ट है बहन जी का। हाँ, तो पिछले जो यहाँ से रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो कभी काम करवाने नहीं आते जो यहाँ की समस्या जी? माता जी, क्या नाम आपका? मेरा गेंदोर देवी। किस ओर जाएंगी आप? चुनाव आने वाले हैं, 5 तारीख को चुनाव है। हम तो हाथी चले जाएंगे, जो हमारे घर के दरवाजे बना दे। घर के दरवाजे की दिक्कत है? अच्छा, सड़क पी रहा है, सड़क ना है मार माही सड़क। अच्छा, हाँ, तो सुरेंद्र वशिष्ठ जी के साथ जाएंगे? हाँ, खूब चले जाएंगे, पर बढ़िया काम करेगा तो नहीं हुई पकड़ लूंगी जाकर मैं, बात सगरी खाऊ खड़ी खड़ी। हाँ, सुरेंद्र वशिष्ठ जी से आप कह रही हैं कि दरवाजा बनवा दे, वोट दे रहे हैं, दरवाजा बनवा दे। मेरे सड़क ना है, पानी भरे हो रहे है मेरे घर के आगे, ना बनाएंगे तो वही जा पकड़ूंगी। अभी जो विधायक रहे उनने सड़क वड़क ना बनवाई किसी ने? भी ना बनवाई, इतने वृद्धा बन गए, जब इतने वोट ना दे रिकाई की वोट, इसीलिए बदलाव चाह रहे हैं इस बार। बात करेंगे जी। जी, क्या नाम आपका? संतोष। संतोष जी, इस बार किस ओर जाएगी हीरापुर की जनता, महिलाएं खास कर किस ओर वोट देंगे? हाथी की ओर देंगे, पर हमारी पेंशन बंधवा, पेंशन न बंधे, हम भी 60 साल के रह गए। अभी तो बड़ी घोषणा करी है ये जो गठबंधन की सरकार है, उसने कहा 7,500 कर दी जाएगी, जो पेंशन अभी 3,000 मिल रही है, तो हमारे 60 साल की पे भी पेंशन न बंध रही, तो बताओ और कब बंधेगी? मिलना रही है उनकी। सुरेंद्र वशिष्ठ जी से आप कहना चाहती है पेंशन करवा दें? पेंशन करवा दें हमारी, पेंशन बंधवा। पुष्पा जी, पुष्पा जी, क्या कहना चाहेंगे, इस बार वोट किसे देंगे? हाथी को।
हाथी को देंगे। और क्या मांगे हैं यहाँ पर, समस्याएं हैं महिलाओं की? मैं कह रही पूरे रास्ता खराब, अपने रोड खराब, सब समस्याएं दूर करेंगे और उनकी ओर जाएंगे, उनकी ओर जाएंगे। जी माता जी, बिमलेश बेटा, बिमलेश जी, इसे देंगी वोट इस बार? वोट सब बेटा वाई दूंगी, हाथी आई पर हमारे नाली ने करवा दे। नालियां गंदी पड़ी है, परेशान है ना, नाली को पानी ना जा रहा हमारी को। अच्छा, दिखाएंगे फरीदाबाद आपको, बनवा दे नाली, बनवा दे। अब वोट हाथ में ले लो, तब ये सच्चे पे हाथ में डब्बे में डालनी। हाँ, जो बाबा तो कह रही है। क्या क्या परेशानियां है हीरापुर में? हीरापुर में तो ये बहुत ज्यादा परेशानियां है, नालियों की, सड़कों की, बहुत सारी, बहुत सारी। तो क्या लगता है आपको, किस ओर वोट देंगे? पिछली बार तीनों बार अलग अलग विधायक रहे, पहले कांग्रेस के रहे, फिर बसपा के रहे, लेकिन जब उन्हें चुन लिया गया तो वो भाजपा में चले गए, और उसके बाद एक निर्दलीय विधायक रहे जो फिर बाद में भाजपा में चले गए, और फिर से इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। इस बार किस ओर जाएगी जनता? सुरेंद्र वशिष्ठ को देंगे। हाँ जी, सुरेंद्र वशिष्ठ को लगता है कि विकास कार्य होंगे। होंगे फरीदाबाद, वो दिक्कत भी दिखा दें, आप दिक्कत दिखाने वाले थे, वो दिक्कत भी दिखा दें। अभी ये कर रहे हैं जी। क्या नाम आपका? आइए दिखाते हैं हम अपने गांव की समस्या तुम्हें। हमारी नालियां सड़कें बहुत ज्यादा परेशान है, निकलने के लिए जगह नहीं रहती है, बारिश होती है जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पानी भर जाता है घरों के, पानी के लिए रास्ता भी नहीं है। तो इसी वजह से बदलाव की ओर जाना चाह रहे हैं? जाना चाह रहे हैं हम, अवश्य ही सुरेंद्र वशिष्ठ के साथ चलेंगे। सुरेंद्र वशिष्ठ जी के साथ चलेंगे क्योंकि बदलाव की ओर जाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं, जो गंदगी की परेशानियां हैं, उससे जूझ रहे हैं हीरापुर के लोग, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो अच्छा शुरू की 30 साल है की शादी को, ये जब से ही चल रही है, और ये नाली अब बंद करने वाले है रहे हैं। अच्छा। ये नाली बंद करने वाले है रहे हैं, हम पोखर ही हूँ। अच्छा। ये पोखर ही। अच्छा। और अब ये बंद करवा रहे हैं वे। अच्छा। जो जीत गए पहले केस है, सरपंच रहे जीत गए। अच्छा। तो बंद करवाने को डोल रहे हैं नाली है। तो ये चलनी चाहिए, ये चलनी चाहिए नाली, चलनी चाहिए जिससे पानी निकलता रहे। और कितने साल पुरानी है ये? हाँ, ये मतलब हमने तो हम आए है ना, जब से पानी उड़े को आ रहा है, अब तुम यहाँ यो लगा लो, हमें भी 50-40 साल यहाँ हो गए आई, और 20-21 साल की शादी भी हुई है। अब यो बताओ पानी जाएगा कहाँ, पानी की निकासी नहीं है, परेशान है, और इसीलिए चाहते हैं बदलाव की ओर जाना। पानी निकलना चाहिए जरूर, गंदा तो पानी निकलना चाहिए, घर का पानी बताओ कहाँ जाएगा। और ये तीसरे दिन लेके खड़े है जाए सबके सब, ये खड़े है जाए रुक हो जाए गुथने को, बताओ किसते मूड फोर है रोज की रोज। तो बदलाव चाहिए ताकि जो पेंशन चाहिए, पेंशन चाहिए जिनकी बंद गई है उन्हें बड़ी हुई पेंशन चाहिए, और जिनकी नहीं बंद रही है, हमारी तो नहीं बंद रही, हमारी भी ना बंद है, जिनकी नहीं बंद रही है उन्हें चाहिए कि पेंशन बंद जाए, और इसीलिए बदलाव की ओर जाना चाह रहे हैं। जी क्या नाम आपका? गोविंद जी। गोविंद जी, 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो किस पर बटन दबाएंगे, हाथ पर, कमल पर, या हाथी पर? हाथी वाले। क्यों दबाएंगे हाथी पर? हमारी मार लगी। जाएंगे बहन जी के साथ। हां जी। तो क्या लगता है मायावती जी के आने से क्या बदलाव होगा यहाँ पर? बदलाव बहुत होगा जी, समसीजन में महंगाई कम हो जाएगी। नाम आपका? हरकेश जी। हरकेश जी, 5 तारीख को चुनाव है, किस ओर जाएगा आपका बटन? मायावती को जी, सुरेंद्र जी को। क्यों? कि हमें जी नौकरी की बोली, नौकरी में देंगे, नौकरी मिलेगी जी, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हमें भत्ता मिलेगा 21,000 का, जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी। जी जी हाँ जी। तो इसी वजह से जो युवा है वो सुरेंद्र वशिष्ठ जी की ओर जा रहे हैं। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए, वृद्धा अपनी पेंशन के लिए, और जो युवा है वो अपने रोजगार को लेकर सुरेंद्र वशिष्ठ जी की ओर रुख कर रहे हैं और बदलाव चाहते हैं हीरापुर गांव में। जोड़ेंगे आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।